जैसे ही भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले हैं और वो इजिप्ट जा रहे हैं, एलओसी के ऊपर एक वाक्या होता है कि दो जो सिविलियन हैं उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है, और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इंडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया। बैलेंस होए 550 बिलियन डॉलर वो रख के बैठे हुए मोदी, हर जगह जुल्म कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, आरएसएस ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहे हैं। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए खराब हैं कि वहां पर क्योंकि एक कम्युनिटी ओप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की मैशियत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पर लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है, वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और 93% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है वो उन अमेरिका का दौरा ख़त्म करके वहाँ से बाहर निकले, तभी पाकिस्तान के दो जो सैनिक हैं वो LOC पे मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ये क्लेम कर रही है कि ये इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है। दोस्तों, अभी जो इंडिया के जो PM हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, उनके तरफ से जो ज्वाइंट बयान आया था उसमें साफ तरीके से कहा गया था कि पाकिस्तान जो टेररिज्म है उसको रोके, और उसमें साफ अमेरिका ने भी चेताया था कि पाकिस्तान जो है वो इस कार्रवाई को ना करे, क्योंकि अगर वो इस कार्रवाई करता है तो फिर हम जो जो है जो अमेरिका है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कठोर कदम उठाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ ये ही आ गई कि इंडियन आर्मी ने ही LOC पर पाकिस्तानी आर्मी को ठोक दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार आतंकवादियों को मदद कर रही थी। हालांकि अभी ये न्यूज़ क्लियर नहीं हुआ क्या हुआ क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ ज़रूर हो रही होगी जिसमें पाकिस्तानी आर्मी द्वारा जो है वो आतंकवादियों को भारत में घुसाने की कोशिश की जा रही होगी। तभी भारत की जो आर्मी है उसने एक्शन लिया और दो पाकिस्तानी जो जवान हैं उनको मार गिराया है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा हलचल है और पूरे पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बात कर रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, जैसे ही भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले और वो इजिप्ट जा रहे हैं, अगर आप ये देखें कि LOC के ऊपर एक वाक्या होता है, और वो वाक्या जो होता है एज़ पर द पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, के दो जो सिविलियन हैं उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है, और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इंडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया शेफर्ड्स के ऊपर, और ये चीज़ें हैं। अब ये जो अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों ने जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको इन्होंने जिसे कहते हैं ना रिकमिट किया था, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो कोर इश्यूज़ हैं हम उनको अंडरमाइन करेंगे। अब इसमें जारी बात है, वो क्या कहते हैं, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। अगर तो ये तासुर लिया जाए या ये बात की जाए कि जो फायरिंग है वो शेफर्ड्स पे हुई है, तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है इंडियन साइड से? क्या इंडियन साइड ये समझती है कि ये जो जो शेफर्ड्स थे क्या वो उसको फौजी समझते थे या इंटेलिजेंस वाले समझते थे? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मिसकैलकुलेशंस है ना, क्या शेफर्ड्स पे हमला करना जायज़ है, या क्या इंडियंस ये समझते थे कि ये लोग जो हैं ये इंटेलिजेंस के लोग होंगे या फौज के लोग होंगे, या सारी बात है एक मिसकैलकुलेशन है या कैलकुलेशन है, वट एवर इंडिया थॉट। लेकिन जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन ये है कि जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्फिडेंट है, ठीक है,
इसके ऊपर जो अमेरिका में इनका विजिट हुआ है उसके बाद इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना, एंड देन इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ अर्से बाद, तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना ये बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना नॉर्मल चीज़, मुझे तो नॉर्मल लगती है, मैं आई फाइंड इट वेरी नॉर्मल चीज़। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही जैसे वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो ये कह रहा है कि देखें जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, तो LOC के ऊपर हालात गर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। सो ये इन अदर वर्ड्स दिस इज़ अ कैलकुलेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने बड़े आराम से कैलकुलेशन की है, उनको पता है कि हम 31 MQ-9 जो वो रीपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं $3 अरब के, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो F414 फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इंडिया में, इंडियन जो शिपयार्ड्स हैं उनके ऊपर US नेवी आएगी, सर्विस रिपेयर हर चीज़ उनको देगी इंडिया के अंदर आके। तो उन्होंने कहा यार ये कौन है फिर, ये तो वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, छोड़ो यार ये क्या करना है अब इनको, पाकिस्तान को इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। उधर से IMF जारी बात है फंसा के बैठी हुई है, मोदी साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे AI की बात होती है तो वो कहते हैं अमेरिका और इंडिया ही AI हैं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बेस है। अब ज़रा इसमें थोड़ी सी जिसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ है मैं समझता हूँ देखनी चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्वियंट मुल्क बन के रहना है, सेकंड ग्रेड सिटीज़न, अपने अवाम को तो सेकंड ग्रेड सिटीज़न पाकिस्तान ने रखा, क्योंकि हमारी जो अवाम है उन बेचारों की तो ज़िंदगियों में हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से तो हुकूमत की तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो क्या अब अवाम जो है वो इस खत्ते में भी इसी तरह बगैर कॉन्फिडेंस के रहेगी? तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका ये कहना है कि भारत आखिरकार हमारे खिलाफ ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने अभी जस्ट ही अमेरिका के दौरे पर चेताया था कि पाकिस्तान इस कार्रवाई को ना करे और अभी ये कन्फर्म नहीं है कि आखिरकार इंडियन आर्मी ने ये कदम उठाया भी है नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एलिगेशन लगा रहा है। लेकिन अगर ये न्यूज़ सही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आतंकवादियों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रही होगी, तभी इंडियन आर्मी ने इस प्रकार का कड़ा जो कठोर कदम है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उठाया है। दोस्तों वैसे आमतौर पर लगातार इंडिया की जो आर्मी है और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने रहती है, लेकिन ये न्यूज आना और वो भी उस टाइम पे जब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अमेरिका का दौरा करके निकले हुए हैं और अमेरिका में जो जो बाइडन है और जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को रोके, उस टाइम पे इस प्रकार का न्यूज आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि जो पाकिस्तान टेररिज्म को कर रहा है अगर उस पर रोक लगाया तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं है। दोस्तों इस बात की क्या राय है कॉमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल INL News को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस नई वीडियो से, तो लगते रहिए।